हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट का खेल, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम फोरेंसिक मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं एंड देन वी आर आल्सो आइडेंटिफाइंग दैट इन आर नीट पीजी एंड आईएनआईसीटी एग्जामिनेशंस हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इन एमसीक्यूज एंड दिस इज हेल्पिंग अस इन सॉल्विंग दोज एमसीक्यूज राइट. So let's see what concept are we looking today. आज का हमारा concept है understanding leading questions. एक ऐसा concept जिसपे examination में questions आते हैं, बार बार questions आते हैं, right? So what is the exact description of this video? In this video, we are going to understand leading question, right? What exactly is a leading question? Leading question is a question which leads the witness to a point after which the witness only has to answer yes or no. यानी कि witness से एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिसके बाद witness को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा. That's called as a leading question. Okay? The important thing to note about leading question is it can be asked during क्रॉस एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एज फार एज आर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. हमारे को क्या फायदा होगा लीडिंग क्वेश्चंस को जानने से? अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस वेयर लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड और वेयर लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड एंड वेयर दे आर नॉट परमिटेड, बिकॉज दिस इज द एस्पेक्ट विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन एन एमसीक्यू इन एन एग्जाम. कि क्या एक स्टूडेंट को पता है कोर्ट ऑफ लॉ में लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है और कहाँ नहीं पूछा जा सकता, राइट? तो अभी तक हमने देखा कि लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जा सकता है. आइए देखते हैं कि व्हेन एक विटनेस एग्जामिनेशन के लिए आता है, यानी कि विटनेसिंग करने आता है, तो उसको किस सीक्वेंस से गुजरना पड़ता है. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस विद अ विटनेस इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन chief, right? Witnessing starts from examination in chief, and examination in chief is also called as direct examination. And this examination in chief or direct examination is conducted by prosecution lawyer. So if we are talking about a prosecution witness, तो examination in chief कौन करेगा? Prosecution lawyer. Okay? इसके बाद क्या चीज होती है? इसके बाद होता है cross examination. So after examination in chief, the witness has to go through what is called as cross examination. और ये cross examination कौन कंडक्ट करता है? क्रॉस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय डिफेंस लॉयर इन केसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस. तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस कोर्ट ऑफ लॉ में आया, उसका प्रोसिक्यूशन लॉयर ने एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट किया, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन उसने क्या अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा है, डिफेंस लॉयर उससे क्वेश्चनिंग करेगा, विच इज कॉल्ड एज क्रॉस एग्जामिनेशन. लीडिंग क्वेश्चन कहाँ परमिटेड हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड नहीं है. क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड हैं. लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन बट नॉट इन एग्जामिनेशन इन चीफ. ओके, तो सबसे पहली सिंपल सी चीज तो हमको ये याद रखनी है. अब इसके सिवाय विटनेसिंग में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पर प्रोसिक्यूशन का लॉयर अपने विटनेस यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस से दोबारा कुछ बात करे क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एग्जामिनेशन.
ऑल्सो नोन एज री एग्जामिनेशन इन चीफ. ओके, दिस इज अगेन कंडक्टेड बाय प्रोसिक्यूशन लॉयर, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. अब इस सिचुएशन में क्या लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन इस सिचुएशन में भी नहीं पूछे जा सकते. यानी कि हमने अभी तक क्या देखा, वेन एवर प्रोसिक्यूशन विटनेस इज टॉकिंग टू प्रोसिक्यूशन लॉयर, दैट हैपन्स इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड दैट हैपन्स इन री एग्जामिनेशन इन चीफ, लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड. बट वेन एवर प्रोसिक्यूशन विटनेस इज टॉकिंग टू डिफेंस लॉयर, यानी कि लॉयर ऑपोजिशन का है, राइट, लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड हैं. और वो कब होते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे. उसके सिवाय इज देयर एनी सिनारियो व्हेन प्रोसिक्यूशन लॉयर कैन आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन टू प्रोसिक्यूशन विटनेस ओनली? ये एक स्पेशल सिनारियो है, और वो क्या है? प्रोसिक्यूशन लॉयर कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन टू प्रोसिक्यूशन विटनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन Chief, if the witness turns hostile, prosecution lawyer अपने ही witness की examination in chief conduct कर रहा है और उसको पता चलता है कि मेरा witness hostile turn कर गया है, उस समय वो अपने ही witness से leading question पूछ सकता है. सो द ओनली सिनारियो वे लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय प्रोसिक्यूशन लॉयर टू हिज ओन विटनेस, दैट इज प्रोसिक्यूशन विटनेस, इज व्हेन द विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल. ओके, इसके सिवाय लीडिंग क्वेश्चन एक जगह और हाईलाइट होता है, एंड दैट इज ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. ओके, रिकॉर्डिंग of dying declaration. यहां पर भी पूछा जाता है, can leading question be asked? क्या लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? द आंसर इज नो. सो इवन व्हेन अ मैजिस्ट्रेट इज रिकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन, मे बी इन द हॉस्पिटल सेटअप वेयर द पर्सन इज डाइंग, ही कैन नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस. तो हमें दो एरिया कौन से याद रखने हैं जहां पर लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड हैं? नंबर वन, क्रॉस एग्जामिनेशन, and number two, during examination in chief, but only when the witness turns hostile. ठीक है, ये दो एरिया अच्छे से याद रखेंगे हम regarding asking of leading questions. चलो इसके ऊपर एक सवाल करके देखते हैं. Question is, a lawyer asks a witness, Did you see Mr. Rakesh holding the knife in his hands? What examination would be happening? अगर आप यहाँ पर सवाल को देखो तो लॉयर पूछ रहा है ऐसा सवाल for which the witness has to answer yes or no, right? Did you see Mr. Rakesh holding knife in his hands? The witness has to answer yes or no.
क्या समय चल रहा होगा यहाँ पर? इस समय क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होगा, दैट्स व्हाई वी से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। इस तरीके के सवाल हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर लीडिंग क्वेश्चंस, राइट? आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल टॉक अबाउट सम अदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज ह्यूजली रिफ्लेक्टेड इन एग्जामिनेशन। टिल देन,